कुछ रूल्स हैं कि कब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कब नहीं करेगा, तो इन रूल्स को एक बार देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये याद रखो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q रेस्ट पे पड़ा हुआ है, कोई चार्ज पार्टिकल Q रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखा उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी। तो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे पड़ा हुआ है, स्टैटिक है, तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। रूल नंबर वन क्लियर, एक चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, पहला पॉइंट। चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, स्टैटिक है, तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर सकता है, पर रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो पहला रूल सबको क्लियर है कि रेस्ट पे स्टैटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बट कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। पहला रूल क्लियर है। दूसरा रूल, अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है, चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल हर वक्त प्रोड्यूस करता है, वो मूव करे या वो मूव ना करे। तो मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कोई चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर सकता। अगर कोई चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। तो सेकेंड रूल भी क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो यही रूल यहीं से स्टार्ट, यहीं से किया हुआ है कि स्टैटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बट कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट रूल है कि अगर सपोज करो कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया उसके ऊपर, इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल और चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, तो चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट, कितनी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को मूव भी करवा सकती है। रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है वो मूव कर सकता है। अब नेक्स्ट यही रूल मैग्नेटिक के साथ देखें, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और मैंने क्या प्रोड्यूस कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो एफ फिजिकल टू बी क्यू वी साइन 90 में वी जीरो, तो फोर्स भी क्या, जीरो। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो रूल समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो मैंने इसमें कितने रूल करवाए, चार रूल करवाए। पहला रूल, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट कर सकता है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर नहीं लगेगी। रूल्स क्लियर है यहाँ तक? तो यही रूल इसमें बता रखा है, चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो फोर्स एक्सपीरियंस उस पर जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो अब कुछ अलग ही पॉइंट है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पॉइंट है। मैं दिखाता हूँ ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे आगे बीच में। इसके अंदर मान लो आपके पास एग्जाम्पल में एक करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, बी जनरेट करती है। सपोज करो यहां पर एक चार्ज है और ये चार्ज किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट पे पड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा। ये वायर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है बी, पर चार्ज पार्टिकल किस पे है, एट रेस्ट पे है। तो अगर मैंने इस ऑब्जर्वर से पूछा कि भाई बता इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, तो आंसर क्या होगा, लगेगी फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगी,
लगेगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, बी क्यू वी साइन थीटा, वी तो है ही नहीं, पार्टिकल किस पे एट, भाई रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज को जितने मर्जी बी में डाल दो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, तो वी इज इक्वल टू जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑटोमेटिकली क्या रहेगी, जीरो, चाहे ये वायर कितना भी बी जनरेट कर ले इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट तो ये स्टेप क्लियर है। तो अगर ये करंट कैरिंग वायर यहां पर बी जनरेट करे जिसमें ये चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, पर पड़ा रेस्ट पे हुआ है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा जो मर्जी हो जाए, पहला रूल क्लियर है। अब इमेजिन करो एक करंट कैरिंग वायर है, और करंट कहां पर है, ऊपर है, इसके साथ एक चार्ज पार्टिकल है, इस बार ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी ऑफ वी, तो ये करंट कैरिंग वायर इसके ऊपर क्या जनरेट करेगा, बी, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, और इस करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक की, नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि इसमें वी जीरो नहीं है, बी क्यू वी साइन थीटा कुछ तो करेगा ही। अब ये बात दो लोगों से पूछी गई, पहला इससे पूछी गई जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड वाले से पूछा कि देख इसमें करंट है, करंट कैरिंग वायर यहां पर बी जनरेट कर रही है, चार्ज पार्टिकल मोशन में है, और ये कहते हैं हाँ मोशन में है, मुझे दिख रहा है चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो इससे पूछा गया क्या ये चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसने कहा करेगा, आप ही तो रेस्ट पे बैठे हो यहाँ पे, तो आप ही तो ये बोल रहे हो करेगा, क्यों, क्योंकि आपके लिए ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है और वेलोसिटी वी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, इट विल एक्सपीरियंस कौन सी फोर्स, उसका नाम क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछा गया इस बंदे से जो खुद लिफ्ट में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, अब इससे पूछा गया तू बता इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या कोई फोर्स लग रही है, तो चार्ज पार्टिकल कहते ये जो ये लिफ्ट वाला बंदा है ये क्या बोलता है कि देखो मेरे हिसाब से ये चार्ज पार्टिकल किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट, क्योंकि वी और वी से मूव कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही। अब चार्ज पार्टिकल से पूछा तू बता तेरे ऊपर सच में कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है या नहीं कर रही, तो चार्ज पार्टिकल कहता है कि देखो कर तो रही है, देखो मेरे पे फोर्स तो लगा, मान लो मैं वो चार्ज पार्टिकल हूं, मेरे से पूछा गया तू बता तेरे पे लग रही है कि नहीं लग रही, मैं बोलता हूं हां लग रही है। अब दोनों के ओपिनियंस में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। फिर से पूछा कि भाई देख इसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही, ये कहते देखो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लग सकती क्योंकि मेरे हिसाब से चार्ज पार्टिकल किस पे है, एट रेस्ट है, तो मुझे लगता है क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, स्टैटिक है, तो पक्का यहां पर कौन सी फोर्स लगती होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती होगी, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है और मैं इस फोर्स का नाम मैग्नेटिक फोर्स नहीं दे सकता, हाँ फोर्स लग रही होगी ये मैं एग्री कर गया, उसका नाम मैग्नेटिक नहीं है, उसका नाम तो इलेक्ट्रिक है। अब ये बंदा कहता है कि इसका नाम फोर्स का क्या है, मैग्नेटिक है, ये कहता है इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, नाम तो जो मर्जी दे दो फोर्स तो लगी रही थी इसके ऊपर, मानने वाली बात है, यानी कि फोर्स का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या फोर्स का नाम मैग्नेटिक फोर्स होगा, ये आपके देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है कि आपका क्या सिचुएशन है, और इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है आप किस फ्रेम से देख रहे हो, आप ग्राउंड के फ्रेम से देख रहे हो या आप लिफ्ट के फ्रेम से देख रहे हो, राइट। तो नाम में कुछ नहीं है, फोर्स तो अभी भी लग रही है, इसीलिए नेचर में जो फोर्सेस होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो मैग्नेटिक हो, तो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, इसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो एक्चुअल में जो यूनिवर्स है उसमें दोनों फील्ड साइमल्टेनियसली इकट्ठे काम करते हैं, तो जो फोर्स का नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन हमारा स्टडी करने का तरीका अलग है। हम पहले 2 महीने क्या स्टडी करते हैं, चार्ज किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम क्या कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जब मैग्नेटिक स्टार्ट हुआ तो हमने कहा कि चार्ज मोशन में है, चार्ज मोशन में है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बोल नहीं पाते, हम क्या बोलते हैं, कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन रियलिटी यह है कि आपका देखने का नजरिया है कि आप किस फ्रेम से देख रहे हैं,
तो नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है या मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, पर नेचर में दोनों फोर्सेस इकट्ठी काम करती हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?